तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 10th क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन हमारा 6.3 एक्सरसाइज का है, ट्रायंगल चैप्टर का। तो देखो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चंस, अ गाय वायर अटैच्ड टू द वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, देखो डायग्राम बनाते हैं। वर्टिकल पोल है, इसकी हाइट जो दे रखी है 18 मीटर दे रखी है स्टूडेंट, ठीक है। और जो रोप है उसकी लेंथ जो दे रखी है 24 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कंडीशन दे रखा है, 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज स्टैक अटैच टू द अदर एंड, ठीक है। स्टैक दे रखा है, सपोज करो यहाँ पर देखो ये वायर जो बंधा हुआ है और यहाँ पर देखो जो ग्राउंड से ये जो स्टैक है, स्टैक कैसा होगा, किस शेप का होगा, स्टैक इस शेप का होगा, जिसे मतलब ये जो होता है लकड़ी या मेटल का बना होता है जो ग्राउंड के अंदर धसा होता है, इसी में हमारा जो वायर है बंधा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ बोल रखा है द स्टैक अटैच टू द अदर एंड, हाउ फार द बेस ऑफ द पोल शुड बी स्टैक इज ड्रिवेन सो दैट द वायर इज टॉट। मतलब ये जो स्टैक होगा कितने बेस से कितने डिस्टेंस पर जो ड्रिवेन होगा, ड्रिवेन बोला है ना, द स्टैक बी ड्रिवेन सो दैट द वायर विल बी टॉट, वायर जो हो टाइट हो एकदम, ठीक है। तो मतलब जो ये वायर है आपका, ये वायर हमारा बंधा हुआ है, यहाँ पर ये जो स्टैक लगा हुआ है, ठीक है, मैंने बनाया नहीं है लेकिन स्टैक ये लगा है, इसी से वायर देखो वर्टिकल पोल के टॉप से वायर बंधा हुआ है, ये स्टैक से वायर बंधा हुआ है, ठीक है। तो हमें बताना है ये डिस्टेंस बताना बेसिकली, ठीक है। बोल रखा ना हाउ फार द बेस ऑफ द पोल शुड बी स्टैक बी ड्रिवेन सो दैट द वायर विल बी टॉट, मतलब जिससे वायर टाइट हो ये कितने डिस्टेंस पर बंधा हुआ है, ठीक है। और ये रोप की लेंथ कितनी दे रखी है, 24 मीटर दे रखी है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बन रहा है स्टूडेंट, इसका नेमिंग कर लेते हैं ए बी एन सी। और हमें एज्यूम करना होगा स्टूडेंट जो वर्टिकल पोल होगा ग्राउंड से कितना होगा, 90 डिग्री होगा, मतलब ये 90 डिग्री होगा, मीन्स ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, इतनी बात समझ में आ रही है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्यों, पाइथागोरस थ्योरम किस में यूज होता है, बाय राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होता है स्टूडेंट। तो क्या होता है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। क्या लिख देंगे यहाँ पर, रीजन लिखना होगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम, आप पूरा लिखेंगे स्टूडेंट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ए सी कितना है स्टूडेंट, 24 का स्क्वायर, क्लियर है, ये कितना है 24 का स्क्वायर। ए बी कितना हमारे पास, ए बी हमारे पास 18 का स्क्वायर दे रखा है, और ये बी सी हो गया, बी सी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो 24 का जो स्क्वायर होगा हमारा कितना देगा, 576 होगा, और 18 का स्क्वायर जो होता है स्टूडेंट 324 होता है, 324 प्लस बी सी का स्क्वायर, तो इसको इधर लेके आओ, तो 576 माइनस 324 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 252 आ जाएगा, 252 ये बी सी का स्क्वायर। तो अब देखो इसको हम इधर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू जो होगा प्लस माइनस अंडर रूट 252 होगा। ये प्लस माइनस 2 क्यों आता है वो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बता रखा है स्टूडेंट, क्यों, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करेंगे, बी सी इक्वल टू जो होगा, बी सी इक्वल टू प्लस माइनस, अब इसको ब्रेक कर लेंगे, अंदर अंदर ही ब्रेक कर लेंगे, ये आएगा आपका 36 × 7 आएगा, ठीक है, 36 × 7, तो 7 का परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, तो बी सी इक्वल टू प्लस माइनस 6 को 36 का होता है, तो क्या लेगा 6 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। और हमारे पास पता है जो लेंथ होता है कभी निगेटिव नहीं होता, इसीलिए हम क्या करेंगे, केवल पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करते हैं, बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6√7 मीटर हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो लेंथ आएगा वो हमारा बी सी जो आएगा वो 6√7 आ जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो फाइनली हम लास्ट में लिख सकते हैं स्टूडेंट, लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना होगा, देयरफॉर distance of stake from the base of pole is 6√7 मीटर, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो ये आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना होगा, क्या लिख देंगे, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ स्टेक फ्रॉम द बेस ऑफ पोल इज 6√7 सेंटीमीटर, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं।
तो ये आपका 11th क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये देखा है एन एरोप्लेन लीव द एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू टू द नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर ठीक है पर आवर्स। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू टू द वेस्ट ठीक है एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन आफ्टर 1.5 आवर्स ठीक है 1.5 आवर में उनके बीच का डिस्टेंस हमें बताना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको, तो पहले एक हम डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है ठीक है। इसमें डायरेक्शन हम लिख लेते हैं, ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है और ये साउथ है ठीक है। अब यहाँ पर रखा सपोज करो ये हमारा एयरपोर्ट है ठीक है, यहाँ पर एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है यहाँ पर ठीक है। यहां से देखो एयरपोर्ट से मतलब एक प्लेन जा रही है नौ आपका किसमें जा रही है आपका 100 किलोमीटर मतलब यहां से एयरपोर्ट की डायरेक्शन जा रही है वही 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है पर आवर ठीक है। और एक जो एरोप्लेन जा रही है एक सेम टाइम में तुम्हारा कौन सा डायरेक्शन जा रही है वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है और इसकी स्पीड कितनी है 1200 किलोमीटर पर आवर ठीक है, इतनी स्पीड से जा रही है। हमें बताना है कि इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस बताना है आफ्टर 1.5 आवर्स ठीक है। तो देखो स्टूडेंट पहले तो हमें ये डिस्टेंस कर इसको हमने ओरिजिन मान लिया ठीक है। सपोज करो हमें तो ये डिस्टेंस बताना पड़ेगा कि ये इतनी स्पीड से जा रही है तो 1.5 घंटे में कितना पहुंची, हमें ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा और यहाँ पर भी ये वाला भी डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ये 90 है तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बन सकता है स्टूडेंट क्लियर है। तो यहाँ पर हमें ये निकालना होगा एरोप्लेन ए और एरोप्लेन जो नॉर्थ में जा रही है उसकी डिस्टेंस कितना कवर कर रही है ये 1.5 आवर में, और हमें ये बताना है वेस्ट में जो एरोप्लेन जा रही है इतनी स्पीड से वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, फिर हम वहां पर से पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट एरोप्लेन ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेवल बाय फर्स्ट एरोप्लेन ठीक है। और फर्स्ट एरोप्लेन कहां जा रही है, नॉर्थ में जा रही है, ड्यू नॉर्थ, और कितने टाइम में जा रही है इन 1.5 आवर्स ठीक है। तो यहां पर देखो पहले इसको हम 1.5 आवर को कन्वर्ट कर ले, क्या कर सकते हैं 3/2 आवर्स ठीक है, सिंपल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो अब आपको पता होगा स्टूडेंट जो फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का डिस्टेंस स्पीड कितना है इसका, स्पीड कितना है 1000 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना सपोज करो हमारा ये डिस्टेंस कवर कर रही है, ये ए डिस्टेंस कवर कर रही है, सपोज करो ओ ए, डिस्टेंस कितना हो जाएगा ओ ए क्लियर है। एंड और इस टाइम कितना लग रहा है 3/2, मतलब ये कितना टाइम लग रहा है 3/2। तो यहां से हम ओ ए निकाल लेंगे, ओ ए डिस्टेंस निकाल लेंगे 1000 × 3/2, तो हमारे पास जो ओ ए डिस्टेंस आ जाएगा स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा 500 और ये आ जाएगा 15 ठीक है 1500, और ये जो आएगा ये किलोमीटर आएगा क्योंकि डिस्टेंस हमारा ये किलोमीटर में आ जाएगा क्लियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास OA जो लेंथ आ गया वो कितना आ गया 1500 किलोमीटर आ गया। तो बेसिकली हम देखा जाए तो ये यहां से यहां तक डिस्टेंस जो आ गया 1500 किलोमीटर आ गया, इतनी बात समझ में आ रही। तो OA की लेंथ कितनी आ गई 1500 किलोमीटर आ गई, इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकेंड एरोप्लेन हम निकाल देंगे, सेम देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकेंड एरोप्लेन प्लेन और ये किधर जा रही है स्टूडेंट, ड्यू वेस्ट में जा रही है ठीक है। और ये भी सेम टाइम में हमें बताना 1.5 आवर्स, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/2 आवर्स ठीक है। तो इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट, देखो दूसरे पेज पर कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इसका भी कैलकुलेट करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इसका कितना है, इसकी स्पीड कितना है हमारे पास 1200 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना का सपोज करो हमारा डिस्टेंस बी, ओ बी कवर कर रही है, ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो कितना कवर कर रही है, हमने एज्यूम कर लिया ओ बी कर रही है ठीक है। तो ये ओ बी हो गया, टाइम कितना लग रहा है, टाइम तो दोनों के लिए सेम लग रहा है स्टूडेंट 3/2 आवर्स। तो ये
1200 और ये 3/2 ओ बी। तो यहाँ पर देखो इसको कैंसिल कर देंगे तो यह 600, तो ये कितना हो जाएगा 1800 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब जो ओ बी हमारे पास है वो 1800 है, मतलब ये जो है ये डिस्टेंस कितना हमारे पास 1800 है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब हमें देखो ये डिस्टेंस और ये इनके बीच का डिस्टेंस बताना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये वाला डिस्टेंस हमें फाइनली बताना है, ठीक है। तो हमें पता चल गया स्टूडेंट, मतलब जो ये सेकेंड एरोप्लेन है एयरपोर्ट से कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है 1800 किलोमीटर, एंड जो फर्स्ट एरोप्लेन है वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है 1500 किलोमीटर। हमने दोनों फाइंड आउट कर लिया है स्टूडेंट, क्लियर है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये हमने यहाँ पर एज्यूम किया है राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, तो OA क्या है हमारे पास डिस्टेंस कवर बाई, देखो OA जो लेंथ है वो क्या है डिस्टेंस कवर बाई फर्स्ट एरोप्लेन, एंड OB जो है डिस्टेंस कवर बाई सेकेंड एरोप्लेन। तो अब यहाँ पर देखो इन ट्राइंगल AOB, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा इन ट्राइंगल AOB AB का स्क्वायर, क्योंकि हमने एज्यूम क्या किया है O इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एज्यूम क्या है O इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्या लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम PT लिख देते हैं, आप पूरा लिखिएगा पाइथागोरस थ्योरम। AB कितना हो जाएगा, AB तो हमें निकालना है स्टूडेंट, क्लियर है। OB कितना होगा, OB हमने कितना 1800 किलोमीटर ये लिखा, OA कितना है 1500 किलोमीटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो 50 अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, AB हो जाएगा अंडर रूट में 1800 का स्क्वायर प्लस 1500 का स्क्वायर, क्लियर है। तो AB जो हमारा फाइनली आएगा AB, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो 18 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 324, और ये 00 का 40 हो जाएगा, क्लियर है। 18 का स्क्वायर करेंगे 324 आता है, ठीक है। और इसका करेंगे ये 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 225, और ये 00 का 40 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB हमारे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट, AB की लेंथ, अब देखो दोनों को ऐड करोगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 549 और 40 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, 540 40, ठीक है। अब इसका हम स्क्वायर रूट दिखाएंगे, तो देखो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर सही से, तो ये हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको ब्रेक करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा स्टूडेंट, ये आएगा आपका 900 मतलब ये अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 61 आएगा, ठीक है। आप करके देखिएगा यही आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो फाइनली इसका हम क्या कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, क्या लिख सकते हैं AB, ये इसको हम लिख सकते हैं 300 × 300, ठीक है, इंटू 61, 300 का एक पेयर बाहर आ गया, एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट AB इक्वल टू 300√61, और ये कितना आ जाएगा किलोमीटर में आएगा स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया ये क्या हो गया किलोमीटर में आ गया। तो यहाँ पर देयरफॉर अब यहाँ पर दे रखा है इन, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन इज दिस वन, देयरफॉर फाइनली लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन आफ्टर 1.5 hours इज 300√61 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट। आई बात समझ में, आपको समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, ये देखो यहां से हमने सॉल्व किया है, तो सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना होगा, ठीक है, ये हमें डायग्राम बनाना होगा, फिर ये हमें सॉल्व करना होगा। डिस्टेंस हमने देख लिया एरोप्लेन ए कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर एरोप्लेन बी कितना डिस्टेंस किया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, तो ये हमने दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया। तो फिर हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, देखो ये एरोप्लेन तुम्हारा सेकंड का है, ये फर्स्ट का है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके यहाँ पर हमने AB की लेंथ निकाल ली। तो AB जो होगा डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन होगा आफ्टर 1.5 hours, क्लियर है स्टूडेंट। तो ये हमने उसका कैलकुलेशन कर लिया, क्लियर है स्टूडेंट। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। चलो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं।
तो देखो बच्चों ये एक्सरसाइज 6.5 का 12 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दे रखा है 6.5 एक्सरसाइज, टू पोल ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ देयर टॉप। मतलब हमें इसके डिस्टेंस बिटवीन टॉप बताना था। अगर मान लो हमारे पास दो पोल है, डायग्राम पहले बना लेते हैं तब हमें एग्जैक्ट समझ में आएगा स्टूडेंट। ये हमारे पास एक पोल है और दूसरा पोल ये हमने बनाया, ठीक है। एक पोल की लेंथ कितनी है हमारे पास, कितना दे रखा है 6 मीटर दे रखा है, और दूसरे पोल की लेंथ कितनी दे रखी है 11 मीटर दे रखा है। क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इनके बीच का जो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल, मतलब ये जो डिस्टेंस दे रखा है इनका, ये कितना दे रखा है 12 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो यहां से देखो ये दे रखा, देखो जो दोनों पोल होगा एकदम परपेंडिकुलर होगा, मतलब ग्राउंड से, ग्राउंड से तो क्या होता है हम क्या एज्यूम करते हैं, ग्राउंड से जो पोल होगा हाइट ऑफ पोल मतलब ये 90 डिग्री होगा, हम हमेशा एज्यूम करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब मान लो ये परपेंडिकुलर, फिर ये भी ड्रॉ करते हैं तो ये भी हमारा परपेंडिकुलर ही होगा। क्लियर स्टूडेंट, ये भी परपेंडिकुलर ही होगा। तो अब ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, जिसे मतलब इसका नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है। हमें बताना फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, मतलब हमें ये वाला डिस्टेंस बताना है, मतलब ए की लेंथ बतानी है, ए की लेंथ बता देनी है, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट। तो आपको ये दिख रहा होगा ये दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, और ये डिस्टेंस दे रखा है तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा 12 मीटर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में लाइन क्या होंगी पैरेलल होगी, और पैरेलल होगी और ये डिस्टेंस पता है तो हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज इक्वल, मतलब ये जो लेंथ होगी ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, ये सब तो अंडरस्टूड है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जैसे ये हमारे पास लेंथ कितना है पूरा, ये हमारे पास 11 है, तो हम ईडी की लेंथ बता सकते हैं, ईडी की लेंथ तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, ये देखो ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6 होगा। क्लियर है, यहां से यहां तक क्योंकि हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाया है, देखो तो ये रेक्टेंगल बन रहा है ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल होगा क्योंकि ये आपस में पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, और ये भी आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये जो ए बी सी डी जो बनेगा रेक्टेंगल बनेगा तो ये 6 होगा तो ये भी 6 हो जाएगा। क्लियर है, तो हमें ईडी की लेंथ बतानी है, तो ईडी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखो यहां पर ये हम निकाल देंगे ई सी, ई सी इक्वल टू कितना लिखेंगे ईडी, ईडी प्लस डी सी, ठीक है। तो अब यहां पर देखो ईडी, देखो ईसी कितना था हमारे पास, पूरा लेंथ कितना था 11 था, 11 11 मीटर हम नहीं लिख रहे हैं अभी, और ईडी और डीसी कितना था हमारे पास 6 था, तो 11 माइनस 6 इक्वल टू ईडी, ये कितना होगा 5 मीटर आ जाएगा, 5 मीटर ईडी इक्वल टू कितना आ गया 5 मीटर, इतनी बात समझ में आ रही है, ये आ गया 5 मीटर, ठीक है। तो अब यहां पर देखो इन ट्राइंगल ई डी ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि हमने अभी बताया ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ये 90 है तो ये भी 90 होगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, यहाँ पर डी कितना है 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर कह सकते हैं ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, ए डी का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर, क्या लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इतनी बात समझ में, AE कितना हमारे पास, AE हमें निकालना है, AD कितना है स्टूडेंट, AD हमारे पास 12 है, ED कितना है 5 है। क्लियर है, तो AE इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो AE इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये कितना हो जाएगा 169 होगा, और 169 किसका बनता है प्लस माइनस अंडर रूट 169, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस, ये कितना होगा 13 into 13, तो ए इक्वल टू कितना होगा आपका प्लस, देखो 13 बाहर निकल जाएगा प्लस माइनस रूट, अब ये कितना हो जाएगा आपका प्लस माइनस 13 आ जाएगा, तो प्लस का हम क्या लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसका क्या एक पेयर बाहर आ गया 13 हो गया, तो फाइनली हमारे पास जो 13 होगा ये हमारा लेंथ हो जाएगा। क्यों निगेटिव वाला नहीं लेंगे हम, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ होता है पॉजिटिव होता है निगेटिव नहीं होता है। तो हमारे पास ए की लेंथ कितनी आ गई स्टूडेंट 13, तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप विल बी 13 मीटर आ जाएगा। तो फाइनली लिख सकते हैं देयरफॉर लास्ट में आपको एक बार लिखना होगा स्टूडेंट, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स विल बी
विल बी 13 मीटर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप ऑफ टू पोल्स इज 13 मीटर। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचे हुए हैं ठीक है उसको हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।